कि तरह तरह के दिन देखे हैं मैंने इस जीवन में। मिला कभी सम्मान अपरिचित, कभी हुआ अपमान हमारा। कभी विजय ने वरण किया तो कभी यत्न करके भी हारा। अधरों पर मुस्कान कभी तो कभी अश्रु छा गए नैन में। नमस्कार, मेरा नाम संजय बेचैन है और मैं ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में रहता हूँ। बचपन में कुछ चीज़ें, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो जीवन पर्यंत भुलाए नहीं भूलती। ऐसा ही शिक्षा दीक्षा चल रही थी, उसके साथ ही जब कभी बचपन में गंदे या किसी गड्ढे में खेल के कूद के धूल मिट्टी में आते थे घर, तो उसके बाद पड़ोस में रहने वाले लोग या घर के कुछ सदस्य कहते थे, ये कैसा शहरिया सा घूम रहा है, अरे ये तो शहरिया सा घूम रहा है संजय। तो ये शब्द एकदम कानों में गूंजता था कि शहरिया होता क्या है, मतलब जब भी गंदे होते हैं तो कहा जाता है कि शहरिया सा घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब जीवन में सुनने को मिली तो मन में हुआ कि शहरिया देखना जरूर है, होता कैसा है। तो इसके साथ ये बात आई गई हो गई, पढ़ाई लिखाई की। कॉलेज करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में दाखिल हुआ, शिवपुरी जिले से पत्रकारिता जिला ब्यूरो प्रमुख के पद के बाद मैं ग्वालियर एडिशन का दैनिक जागरण का संपादक बना। और इसी यात्रा में मुझे ये उत्सुकता बनी रही कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो कुछ हटके हो। आदिवासियों के बारे में, शहरिया के बारे में बचपन से सुनता चला आ रहा था, तो जब भी मैं ग्वालियर शिवपुरी के लिए आता था तो रास्ते में शहरिया बस्तियाँ पड़ती थीं। उन शहरिया बस्तियों में रुककर मैं देखता, तब देखता कि भूखे नंगे अध नंगे बदन लोग उन बस्तियों में झोंपड़ पट्टियों में डले हुए हैं और ये कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। बड़ा कठिन विषम परिस्थितियों में वो लोग अपने जीवन को जी रहे थे। ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मैंने वहीं से निश्चय किया कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं वास्तविक तौर पर आम आदमी को लाभ पहुँचा सकूँ, उसकी पीड़ा को दूर कर सकूँ। लिखने से वो नाकाफी था। इसके बाद पूरी तरह मैंने ठाना कि मैं, अभी मेरे पास उम्र है, मेरे पास समय है। मैं 32 साल की एज में एडिटर था दैनिक जागरण का। उसके बाद मैंने 40 साल की एज में आग्रह किया अपने डायरेक्टर से कि अब मुझे ये काम छोड़ना है और कुछ मैं ऐसा करना चाहता हूँ जिससे समाज की वास्तविक तौर पर सेवा कर सकूँ। तो डायरेक्टर ने मान लिया कि ठीक है, आप जागरण से जुड़े जरूर रहें, लेकिन आपको जो करना है आप कर सकते हैं, हमारी तरफ से थोड़ा सा आपको समय दिया जाता है। उसके बाद मैंने अपना एक नया अध्याय प्रारंभ किया और जो वास्तविक मैंने गाँव देखा, मैं भौचक रह गया कि जब मैंने पूरा समय गाँव के लिए दिया तो क्या दुर्दशा में आदिवासी जनजीवन था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपन चंद मिनटों में उनको नहीं पहचान सकते कि ये शहरिया जनजाति किन पीड़ाओं से जूझ रही है। जब उनके बीच जाकर, उनके बीच में यहाँ से निकला तो सिरसा गांव पड़ता है घाटी गांव के पास, वहाँ पर मैं रुका। उस गांव में जैसे ही गया तो चील बच्चे बिल्कुल नंग धड़ंग और अपने उसमें एकदम गाड़ी के इर्द गिर्द आ गए, कुछ बांटने वाला आ गया, कुछ बांटने वाला आ गया। मैंने ये सब देखा और उनको हाथ में मतलब उठाया तो पूरी दुर्गंध से पूरा आसपास का वातावरण भर गया। बच्चे कई दिनों से नहाए नहीं थे, बच्चे कई दिनों से साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने थे। ये दशा देखकर मेरे मन में मतलब मुझे काफ़ी वो हुआ कि ये किस तरह के हम युग में जी रहे हैं, जिनके लिए करोड़ों अरबों रुपए के शासन प्रोजेक्ट चला रहा है, हजारों एनजीओ काम कर रहे हैं, फिर इस जनजाति का इतना विनाश जैसी स्थिति में पड़ी हुई है, ये कहीं उत्थान नहीं कर पा रही। मैंने वहीं से संकल्प लिया कि अब मैं गाँव में ही एक समय गुजारा करूँगा, चाहे वो सुबह का समय हो चाहे शाम का समय। मैं उन बस्तियों में आया, अगले दिन मैं साबुन लेकर आया अपने पैसे से खरीद के। मैंने कहा इनको साबुन दूंगा और ये अगली बार मुझे मिलें तो नहाए धोए मिलें और फिर सबके साथ बैठक करूँगा। तो साबुन मैंने सबको वितरित किए, काफ़ी भीड़ लगी, लोग साबुन ले लेके चले गए। अगली बार मैं टर्न पर जब आया तो सारे लोग गायब, गाड़ी देख के भाग गए, कोई छत पर, कोई झोंपड़ी के अंदर, कोई इधर, कि क्या हो गया, कि कल वो एक आओ तो साबुन बांटवे आओ तो आज वो साबुन के पैसा मांगे को जी मारे सब भीतर चलो। तो ये स्थिति बनी और वो लोगों को मैंने कहा नहीं साबुन के पैसा नहीं, इस तरह कोई भाई साहब ऐसा ही होता है, पहले दे जाते हैं फ्री और फिर ऐसा काम करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उनको कहा मैंने, कोई साबुन के पैसे नहीं, लेकिन आगे साफ स्वच्छ जो मिलेगा उन्हीं बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ लाऊंगा, वरना मैं नहीं आऊँगा गाँव में। अगले टर्न का इंतजार कर रहे, फोन आ रहे, भाई साहब आ नहीं रहे क्या। मैं पहुँचा वहाँ, देखा तो सारे बच्चे साफ स्वच्छ और साबुन के साथ नहाए हुए, खुशबूदार, उससे बड़ा अच्छा आनंदित माहौल था। इस तरह जब इस मूवमेंट से, पूरा शहरिया क्रांति आंदोलन से मैं जुड़ा, संपादक का पद था मेरे पास,
जब ये छोड़ के मैं एकदम आदिवासियों में आया तो सारे लोग एकदम बोले ये पागल हो गया, ये आदमी कहाँ का वैभव छोड़ के जंगलों की ओर आ गया, इसका दिमाग सरक गया है, ये तो चटक गया इसका दिमाग, और तरह तरह की बातें हुई, खूब खिल्लियाँ उड़ाई लोगों ने। तो मैं चला गया अपना, मैंने कहा नहीं मुझे तो ये करना ही है, और मैंने शुरू किया। जब मैं सहरियाओं के साथ बैठने उठने लगा तो मेरे ही समाज में, ब्राह्मण समाज से हूँ, तो कई लोगों को आपत्ति हुई कि ये तो छोटे लोगों के साथ बैठता उठता है। काफ़ी मेरा बहिष्कार जैसी स्थिति बनी और लोगों ने कहा कि ये तो ऐसे लोगों को सिर पर चढ़ा रहा है जो अपने पैरों के नीचे अपने सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल पाते थे। कहते हैं ना, करना चाहे इंसान मगर वो कर ना सके, इतना मुश्किल कोई भी काम नहीं होता। जब मैं अन्य आदिवासी बस्तियों में घुसा तो दारू के अड्डे, ताश के पत्ते, और ये उनका एक जनजीवन बना हुआ था शहरिया जनजाति का। और ये सब देखने के बाद मैंने कुछ लोगों से कहा कि भाई ये सब क्या है, मतलब सुबह से आप दारू के नशे में बैठे हुए हो, ताश खेल रहे हो, आपको किसी की सुध नहीं है, आपके बच्चे उघारे नंगे घूम रहे हैं, खाने को इनके घरों में कुछ नहीं है, तुम्हारे घर में अनाज की कोटरी पोटरी वो खाली पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा अब तो ये बताओ, बीड़ी का सुट्टा मारते हुए मुंह पर, कि ये बताओ कि आप का योजना लेके आए हो। मैंने योजना, अरे तुम तो अपने मतलब की बात करो भाई, महाराज हमारा का फायदा है। मैंने महाराज फायदा का है, मैंने कहा, फिर वहाँ थोड़ा सा मैं उत्तेजित हुआ और मैंने कहा कि फायदा दुनिया क्या तुम्हारा करेगी जब तुम खुद ही खुद का नुकसान कर रहे हो। उन्होंने कहा अरे जी आदमी कछु अलग बात कर रहा है, अरे आप जैसे महाराज रोज आते हैं, मुलाकात हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमें कछु ऐसा लाभ नहीं मिल रहा कि जैसे हम बुक कहें, आप तो अपना फायदा बताओ हमारा कितने कमीशन मिलेगा। ये सुन के मदंग रह गया, युवाओं को जोड़ा, महिलाओं की टोलियों को जोड़ा, मैंने कहा क्या हो रहा है ये सब, ये समाज कहाँ बनाते जा रहे हो आप लोग, आपको बदलना चाहिए दारू। और ये तो महिलाएं मेरी तरफ आई और पुरुषों ने थोड़ा सा कहा कि पता नहीं आते हैं चले जाते हैं, मेरे मुंह पर ही बीड़ी के सुट्टे छोड़ते रहे। खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीज चलती रही। इसी बीच एक प्रसंग होता है शिवपुरी जिले के बिनेगा गांव के पास, वहाँ एक बड़ा आश्रम है। उस आश्रम में जब हम जैसे लोग, संपादक, पत्रकार, कलेक्टर, SP या पैसे वाले लोग जाते थे तो उनको स्पेशली खीर, हलवा, बादाम का हलवा, घी से बने हुए व्यंजन और ये सारी चीज़ें मिलती थी। मेरा बड़ी आस्था कि यार इतना अच्छा आश्रम है कि यहाँ हर व्यक्ति को इस तरह मान सम्मान मिलता है, तो मैं बड़ा आस्था उस आश्रम के प्रति थी। लेकिन एक दिन खबर आती है कि आश्रम के पीछे बनी हुई आदिवासी की शहरिया की झोंपड़ी को आश्रम के कुछ लोगों ने जला दिया है। मैंने ऐसा कैसे हो सकता है, जो आश्रम इतने धार्मिक कार्य कर रहा है वो कैसे आदिवासी की झोंपड़ी को जला सकता है। जब मैं वहाँ गया, मेरी गाड़ी रुकी, तब तक पत्रकार के रूप में गांव में कोई मेरी वो पहचान नहीं थी, संजय बेचन गांव के लिए अनजान नाम था। मैं जैसे ही रुका तो वो महिलाएं रोने लगीं, अरे महाराज मार डारो, हम कैसे जिंदगी जिए, हमारे संग तो जी अनाचार हो रहा हो, हमें कुत्ता से भी बुरा बर्ताव हमारे साथ किया जा रहा है। मैंने हुआ क्या कि ये अब हमें चाहते हैं कि आश्रम की जमीन बढ़ जाए और ये आदिवासी बस्ती यहाँ से दूर चली जाए और हम लोग यहाँ पे आश्रम की खेती उपज और करके आश्रम के कब्जे में ये ले सकें। इन सारी चीज़ों को मैं देखता गया और मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे संभव है, जब आप लोग बरसों से यहाँ बसे हुए हो तो आश्रम आपको कैसे वो करेगा। मैं इसी मामले में जैसे ही आदिवासियों के हक में लड़ने शुरू हुआ तो केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री, राज्य के मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के कई प्रभावशाली लोग, कई मिलने वाले नातेदार, रिश्तेदार, सब ने कहा ये तू क्या पाप कर रहा है, आश्रम के खिलाफ बोल रहा है, दो कौड़ी के लोगों के लिए इस आश्रम से भिड़ रहा है, ये सही काम कर रहे हैं, इनको भगने दो, ये आश्रम में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। ये सारी चीज़ें जब मैंने सुनी, मैंने क्या विघ्न बाधा, तो बच्चों ने, उन महिलाओं ने मुझे रोते हुए बताया, रत्नाबाई ने, अवतार भाई ने, कहा भाई साहब इस गांव में हम 6 बजे के बाद रेडियो नहीं बजा सकते, कोई भी नगाड़ा बजा के बारात नहीं आ सकती, ढोल नहीं बज सकते, किसी उत्सव पे हम शादी में DJ भी नहीं बजा सकते, मतलब हम यहाँ जीवन बंधकों से भी बुरा जीवन जी रहे हैं। मैंने कहा ये सब तो बिल्कुल गलत है, मैं आश्रम के विरुद्ध खड़ा हुआ और मैंने कहा मैं ये नहीं होने दूंगा। मेरे खिलाफ़ काफ़ी सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियाँ शुरू हुई, अपमानजनक टिप्पणियों का मुझे काफ़ी सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे खुशी रही कि उस गांव की लड़ाई लड़ते हुए मैं उन सारे आदिवासियों को आवासीय पट्टे वितरित करा सका, उनको जागरूक करके। सबसे पहले मेरी शर्त थी गांव में कि मुझे व्यसन नहीं चाहिए, यदि आप शराब छोड़ेंगे, आप ताश पत्ता छोड़ेंगे तो संजय बेचन आपकी लड़ाई लड़ने आएगा, यदि आप ताश पत्ता नहीं छोड़ेंगे, जुआ खेलना छोड़ेंगे नहीं, दारू पीते रहेंगे तो मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मेरी बात मानी, नशे से दूर हुए शहरिया परिवार और उन्होंने मिलकर आवासीय पट्टे हासिल किए। आज उस गांव में ढोल नगाड़ों के साथ बारात जाती है, उस गांव में काफ़ी उत्सव मनते हैं,
जब तक मन चाहे वो लोग टीवी देखते हैं, अपना रेडियो पर कार्यक्रम सुनते हैं, ये सब तरह की चीजें वहां पर आज संचालित हो रही हैं और बड़ी खुशहाल वहां जिंदगी बनी हुई है। लेकिन कई लोगों की आंख की किरकिरी में वहां बन गया। लोगों ने यहां तक कहा कि हरियाणा से जुड़े कुछ लोग वहां पर आए और कहा कि 3 दिन के अंदर संजय बेचैन का सिर कटा हुआ इस पेड़ पर मिलेगा। आदिवासी 3 दिन तक उस गांव की सुरक्षा करते रहे कि कहीं भाई साहब का सिर ये लोग काट के पेड़ पर ना टांग दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिसने चुनौती दी, मैंने कहा मैं 3 दिन के अंदर ही इस गांव में इसी समय आ रहा हूं, और मैं वहां पहुंचा तो उन लोगों के भी होश फाख्ता हो गए कि कोई आदमी इतना हिम्मत से भी आदिवासियों के लिए काम कर सकता है कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहा। काफ़ी अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करते हुए ये सारी चीज़ें चलती रहीं। लोगों ने तरह तरह के व्यंग कसे, चूँकि आश्रम से लड़ना आज के समय में धर्म से लड़ना, सबसे धर्म से नहीं लड़ रहा था मैं, लेकिन एक कुकर्म से लड़ रहा था कि जो गरीबों को हटा के और अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये क्रम हुआ, विनयगा की लड़ाई जीती। इस समय विनयगा की जीत का जश्न मन रहा था, ढोल नगाड़े मन रहे थे, काफ़ी उत्साहित माहौल था, जगह जगह से शुभकामनाएं मिल रही थी कि आपने गरीबों की लड़ाई लड़ी, तो बड़ा सम्मान मिला। उसके बाद मैं घर पर धीरे धीरे मेरे बारे में जानकारी लगी कि कोई व्यक्ति हैं संजय बेचैन जो अब जंगलों में ही अपना टाइम देते हैं और एक समय का भोजन वो जंगल में करते हैं। धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए, आते गए, कई गाँवों की समस्याएँ मेरे पास आई। तो ये सारी चीज़ें जब मैं कर रहा था तो मैंने सारे गाँव में एक प्रसंग, पूरे पंचायतें जब मैं लगाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि जो भी बात आदमी से आज मकान बना रहा है तो आदिवासी बना रहा है, शहरिया बना रहा है, खेत से फसल काट रहा है तो शहरिया काट रहा है, आपके घर पे कोई गाय दो रहा है तो शहरिया दो रहा है, आप सारी चीज़ों में शहरिया का उपयोग कर रहे हो, लेकिन जब शौचालय के उसके का पैसा आ रहा है तो उसकी राशि आप खा रहे हो, आप उसके ज़मीनें रखे हो वो खा रहे हो, लेकिन उसके घर रोटी खाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो ये कौन सा धर्म है? तो मैंने एक नया अभियान वहाँ पे चलाया जो गांव-गांव में बड़ा सक्सेस है, कि मैंने रहा कि मैंने जब भगवान राम वनवास गए थे 14 साल के लिए, तब उन्होंने जंगल में वनवासियों का ही साथ लिया था और वनवासियों ने उनकी काफ़ी सेवा अर्चना की थी। इसी दौरान जब ये मरीचि ऋषि के आश्रम के पास से भगवान राम गुजर रहे थे तो उन्हें भूख लगी और माता सबरी जो कि आदिवासी समाज की थी, उन्होंने उनको अपने बेर खिलाना, मतलब बेर खिलाए, तो उन्होंने कहा चख के खिलाऊंगी, कहीं खट्टे बेर भगवान को नहीं पहुंच जाएं। तो सबरी माता के झूठे बेर खाने के बाद भगवान राम का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, तो किसी सहरिया बहन के घर भोजन करने से मेरा कैसे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? ये सारी बातें मैंने कही, उन्होंने मानी। मैंने कहा जो भी सहरिया से छुआछूत मानता है, आप लोग भी कल से ऐसे लोगों से यदि छुपते हो तो अपने ऊपर पानी डाल के और हाथ धो के ही घर में घुसना। इस बात को बड़ी सपोर्ट मिला और लोगों ने छुआछूत का विरोध शुरू किया और आज गांव-गांव में ऐसी पंगतें लगने लगी कि जहां शहरियों को पहले घूरे पर बिठा के खिलाया जाता था, अब बराबरी से उनको भोजन कराने के लिए लोग विवश होने लगे, अन्यथा शहरी अब खाना खाने नहीं जाते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी छुआछूत के विरुद्ध। हाथोद में जब मैं बंधुआ मजदूरी की समस्या लेकर आए, लोग बाग बोले कि हम 30-30 रुपये दिन में 12 घंटे काम करने को विवश हैं। जब 30 रुपये दिन का हमें मिलता है और हमारे पिताजी ने 5,000 रुपये कर्जा 5 साल पहले ले लिया था या 4 साल पहले ले लिया था, 10,000 रुपये कर्जा, उसे हम चुकाने को जाते हैं तो वो कहते हैं ब्याज सहित 1,00,000 हो गया, ब्याज सहित 80,000 हो गया, काम की कोई गणना नहीं होती। ये सारी बातें जब कई गाँव की पूरी महिला और पुरुषों ने मुझे आकर बताई तो मैं उस गाँव के ओर जाने का रुख किया। वहाँ मजदूरी बढ़ाने के लिए मेरा वो था कि कम से कम जो शासकीय दर है उससे उचित मजदूरी उसको मिलनी चाहिए। मैं वहाँ गाँव में पहुँचा, जैसे ही मैंने बच्चों को संबोधित करके मैं लौट रहा था तो लौटते समय जो दबंग लोग थे गांव के, प्रभावशाली थे, उन लोगों ने आड़ा ट्रैक्टर लगा दिया और ट्रैक्टर लगाने के बाद उस, मैंने कहा कोई बैक कर रहा होगा, मैंने अपनी इनोवा गाड़ी को थोड़ा सा रोका, जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो उसके बाद मेरे को गाड़ी से खींचा, मेरा शर्ट फाड़ा और शर्ट फाड़ने के बाद मेरी गाड़ी की चाबी ली, मेरे मोबाइल छुड़ाए और मेरे साथ जो 3-4 शहरिया भाई बैठे थे उनको मारा पीटा जबरदस्त और मुझे गिरा के लाठियों से, तलवारों से मेरे पर हमला किया, फायर किए। मैं जैसे तैसे भी मरणासन्न समझ के वो थोड़े इधर को हुए तो कुछ आदिवासी मुझे उठाकर एकदम बस्ती तरफ कहीं ले गए। वहाँ कई आदिवासी महिलाओं ने, जैसा कि लोगों ने बताया, एक जगह खाली करके गेहूँ की, वो उसमें कथरियाँ होती हैं, कथरी पुराने ज़माने में आदिवासी बस्तियों में चलती थी, जैसे अपन रजाई या उस टाइप का कहते हैं, उसमें मुझे ढांक दिया कि भाई साहब मिल नहीं जाए, नहीं तो ये लोग इनको मार डालेंगे। उस तरह से कुछ लोगों पर पुलिस के नंबर थे,
उन्होंने वहां से आदिवासी भाइयों ने डायल किए कि आप वहां पे पहुंचे, संजय भाई साहब पर हमला हो गया, उनको मारने की पूरी वो है, और पूरे गांव में जो उनसे घृणा करते हैं या जो नहीं चाहते कि गांव में उत्थान हो, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने मुझे पूरी तरफ ढूंढा, लेकिन महिलाओं ने अपने ऊपर पूरी दरी और उनसे मुझे पैक करके छुपा रखा था। आप सोचिए, उस जगह पर एम्बुलेंस आने में 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया। उसके बाद जब पुलिस के खुद TI सतीश चौहान वहाँ आए, तब महिलाएं एकदम जागृत होकर आगे हु करके आई और पुलिस को बताया कि भाई साहब यहाँ पर हैं। तब TI स्वयं अपनी गाड़ी में मुझे लेकर जिला चिकित्सालय पहुँचे। रातों रात ये खबर पूरे गाँवों में, आसपास के इलाकों में, पहाड़ी जंगलों में आग की तरह फैल गई कि मुझ पर हमला हुआ है। और रात को ही पैदल, जिस पर जो साधन था, आदिवासी बहनें भाई वहाँ से चलते हुए शिवपुरी की ओर कूच कर गए। लेकिन मैं रात को ही, चूंकि ग्वालियर रेफर कर दिया था, उस दिन पूरा दिन शिवपुरी में हजारों की संख्या में आदिवासी घर के बाहर रोते रहे और भगवान से आग्रह करते रहे कि कैसे भी हमारे भाई साहब की जान बचाओ। हजारों की संख्या में लोग उन लोगों से, दबंगों से लड़ने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा, आज हम चाहे मर जाएं, लेकिन हम इनके घरों को जला के आएंगे। मैंने कहा, यदि एक भी व्यक्ति, एक कंकड़ भी किसी पे मारा, तो मेरा यह अभियान अपवित्र हो जाएगा। हमें इन दबंगों से एक शांतिपूर्वक उससे लड़ना है। उन्होंने मेरी बात मानी, लेकिन अपने आक्रोश स्वरूप हजारों की संख्या में जनसैलाब के रूप में आदिवासी वहां से निकले और सड़कों पर मौन जलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहां से मैं जैसे तैसे बच के आया, तो लोगों को जितने पुष्पहार नहीं मिलते, उससे ज्यादा लठ और लाठियां, तलवार, घूसे मैंने अपने ऊपर सहन किए हैं। और मैं मानता हूं कि यही मेरे समाज सेवा का सच्चा पुरस्कार है। यदि मैं फूल मालाओं का भूखा होता, तो मैं कभी उस गरीब और दरिद्र जनजाति के लिए नहीं चुनता। मैं हमेशा दबंग या उनके बीच में, बाहुबलियों के बीच में रहता और फूल हारों से अपना स्वागत कराता रहता। ये सारा प्रसंग चला, शहरी क्रांति ने उत्थान की राह पकड़ी, गांव गांव शहरी क्रांति की अलख जगी, लोग जोड़ने लगे कि कुछ भी है, एक सच्चाई की खातिर, हमारी खातिर भाई साहब ने खून बहाया है, अब हम इस व्यक्ति को बिल्कुल किसी भी कीमत पर इसकी बात को मानेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, गांव गांव में शिवपुरी के बलारपुर पे हमने मीटिंग की और वहां से पूरी तरह से नशा मुक्ति का एक व्यापक अभियान चलाया, जो पूरे देश में शहरी जनजाति में हर गांव में मीटिंग हुई और लोगों ने नशे से दूरी बनाने के संकल्प लिए। साक्षी मानकर पगंद लेते हैं, आज से गांव में अवैध शराब नहीं बिकने देंगे, शराब नहीं पिएंगे। जब नशे से दूरी बनी, तो उस जनजाति में काफी उत्थान और विकास की संभावनाएं नजर आई। ये मेरे इस अभियान की सबसे बड़ी जीत है। और शहरिया को नशा कराने के पीछे बड़े बड़े कुचक्र चले हैं, बड़े बड़ी साजिशें चली हैं, इस तरह से आदिवासियों को मैं इस पड़ाव पर लेकर आ पाया। इसी बीच एक प्रसंग और है, जब ग्वालियर के से आते समय एक गांव पड़ता है बम्हारी कैरऊ। कैरऊ गांव में दिलीप बिल्डकॉन, मुख्यमंत्री जी के रिलेटिव की एक फर्म है, जो वहां पर सड़क बनाने का 4 लेन का ठेका लिया हुआ था। उन्होंने 4 लेन बनाने के लिए अपने कलेक्टर SP सारे तैनात कर रखे थे कि इनको कोई व्यवधान बाधा उत्पन्न नहीं हो। वहां की दबंगई आप देखिए उस कंपनी की, कि उस कंपनी के कारिंदों ने पूरी तरह से आदिवासियों के पट्टे की जमीनों को खाई बना दिया और वहां से मिट्टी खोद खोद कर लाते रहे। दौड़ते हुए आदिवासी मेरे पास आए और मुझसे बोले कि भाई साहब बचा लो, हमारे पूरे खेत जा रहे हैं, हम मर जाएंगे भाई साहब, हम पे आजीविका को कोई साधन नहीं है। कोई नहीं सुन रहा, ना कलेक्टर सुन रहा, ना SP सुन रहा, ना कोई जब बातें समझ में चाह रहा, भाई साहब कैसे भी बचाओ। अरे मैंने कुछ नहीं होगा, मैं चलता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी उठाई और वहां जाकर देखा, उन लोगों को समझाया कि आप आदिवासियों के खेत नहीं खोदेंगे। वहां से कलेक्टर SP सारे उनके साथ थे, उन्होंने कहा आप कैसे रोकते हो, देखते हैं। मैंने कहा आपको बोल जा रहा हूँ, सारे आदिवासी वस्त्र उतार के मेरे साथ खड़े हो गए और हमने उन डंपर वालों को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद प्रशासनिक षड्यंत्र चालू होते हैं, शासन और प्रशासन मिलकर कोई षड्यंत्र जब रचता है तब क्या होता है। उन लोगों ने अगले दिन 4-5 दिन बाद मुझे योजनाबद्ध तरीके से कहा कि भाई साहब फिर खोद रहे हैं, अपने ही आदमी से फोन करवा दिया और आदिवासी वहां इकट्ठे थे काफी। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे कर रहे हैं, तुम्हारे खेतों को मुझे बचाना चाहिए, तुम लोग सब एक हो जाओ। तो वो सब एक हुए और उनको पता था कि मैं काली इनोवा से जाता हूँ। जब मैं अपनी गाड़ी से वहां जा रहा था, तो एकदम गाड़ी उठाई तो गाड़ी के टायर पंचर था। तभी मैंने कुछ अपने मित्रों से कहा कि यार मुझे गाड़ी चाहिए तत्काल, मुझे वहां पहुंचना है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके खेत खोद डालेंगे और काफी मात्रा में लोग वहां पहुंच गए हैं।
जब मैंने उनके खेतों को गाड़ी वो दूसरी आई तो वो सफ़ेद कलर की गाड़ी थी। इस बीच मुझे आदिवासियों ने फ़ोन बताया, मतलब बाद में जो पता पड़ा कि उन लोगों ने मेरे मर्डर प्लान कर रखा था। रास्ते में एक डंपर इस तरह से लगा दिया था, एक इस तरह से लगा दिया था, एक डीजल से भरकर ड्रम रख लिया था कि संजय बेचन की इनोवा आएगी और इसमें अपन को डंपर से एक्सीडेंट दिखाना है और डीजल डाल के गाड़ी में इसको ख़त्म कर देना है। और ये सारी चीज़ में प्रशासन शामिल था, जो मैं कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो थीं वो योजनाबद्ध तरीके से हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि भई होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो मेरी गाड़ी बदल गई और मैं सफ़ेद गाड़ी से निकला तो वो समझ नहीं पाए कि इसमें संजय बेचैन होगा। उन्होंने सोचा कि ये कंपनी के ही लोग होंगे। और जैसे ही मैं कैरव गांव में पहुंचा तो वो अवाक रह गए कि ये आदमी यहाँ कैसे जीवित आ गया। मैं जैसे ही गाड़ी में से उतरा, उतरते ही साथ बस मैंने पहला कदम नीचे रखा है गाड़ी में से, तो पहला लठ मेरे सिर पर पड़ा और इधर आके एकदम मैं ज़मीन पर गिरा। मैंने ये क्या हुआ, जैसे ही ज़मीन पर गिरा तो मेरे को फिर उन्होंने लातों से हमला शुरू किया। इसी बीच एक व्यक्ति पत्थर उठा के जैसे ही मेरे सिर पर मारने को हुआ, तब तक मेरा कोई एक भदौरिया आदिवासी है जिसका नाम भदौरिया है आदिवासी, तो उसने वहाँ से गिलोल तानी की, जो तो अपने भाई साहब हैं, उसने गिलोल से वो निशाना साध के उसके दिया, उसके सिर में वो गिलोल पड़ी और वो पत्थर सहित पीछे गिर गया। तो वहाँ से पूरे आदिवासी भाग कर आए, उस कंपनी को खदेड़ा, वहाँ से जंगलों में भगाया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा उन्होंने और मुझे जैसे तैसे बचा के वो वहाँ लाए। मैं वहाँ से बचकर आया, वहाँ से एक प्रशासनिक फिर षड्यंत्र रचा, एक बूढ़ी विधवा आदिवासी महिला को ढूंढकर लाए और कि वो संजय बेचन के बारे में रिपोर्ट डालो कि वो तुम्हारे गांव में आया और बलात्कार करने का प्रयास किया। लेकिन वो महिला को 50,000 रुपये दिए, नाम था उस महिला का, तो वो आऊ के उनकी बातों में आ गई और एक आवेदन लगा गई पूरे में हाईलाइट के, संजय बेचन ने गांव में आदिवासियों का मसीहा बनता है, लेकिन उसने देखिए किस तरह आदिवासी महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। सारी चीज़ें रहीं प्राकृति की राह, मैं उस दौरान जयपुर गया था, रास्ते में खबर मिली कि इस तरह का आवेदन आया। मैंने भगवान से कहा कि जो तुझे करना है कर, लेकिन मैंने कहा ऐसा आरोप लगेगा तो मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा कि उसका बाप ऐसा काम करने गाँव में जाता था। तो बड़ा मुझे दुख हुआ, मैं खूब भगवान को बोला, मैंने कहा तूने मुझे क्यों भेजा था जंगलों में, मुझे ही क्यों चुना था जब मैं सही काम करने गया। आज मेरे पे यदि ये आरोप लगा तो याद रखना भगवान मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आश्चर्यजनक आप पूरा माहौल घटनाक्रम देखिए कि वो महिला जो बिल्कुल गरीब महिला थी, 50,000 रुपये उसके पास रखे थे, ऊपर वाला भी जब साथ देता है तो दिल खुल के साथ देता है, उस पर उन पैसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चूँकि SP कलेक्टर और सरकार जहाँ शामिल हो वहाँ बचना संभव ही नहीं है, आपको चारों तरफ से सारे एंगल से मारने के प्रयास, आपको बदनाम करने के प्रयास चल रहे हैं। उस महिला को आश्चर्यजनक तरीके से उसे देवी आई थाने के अंदर और वो बोली नहीं वो तो सच्चो इंसान है, वो तो सच्चो इंसान है, और इस तरह झूमने लगी। वो महिला इंस्पेक्टर उनसे बोली अरे भाई तूने कल ये कहा है, अब तुझे बोलना पड़ेगा कि इसके साथ तेरे साथ ये हुआ है। मैं नहीं बोलूंगी, मेरे संग नहीं बहो, ये रखे तुम्हारे पैसे। उसने ब्लाउज में से अपने 50,000 की गड्डी फेंकी और इस तरह से पूरा कृत्य वहां पर वो रहा और वो बुरी तरह बिखर गई कि मुझे मैया दिखी है सपने में और वो कह रही है ये आदमी तो भलो मानुस है, मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन मैं ये सब नहीं बोलूंगी। अरे अब तो कहीं फांसी हो जाएगी, तूने अपना बयान बदला। तो पुलिस ने काफी प्रभाव डाला उस पर, काफी उसको प्रेशराइज किया कि कैसे भी करके वो ये बोले कि संजय बेचन ने। उसने कहा मुझे तो मैया कह रही है, मैं मर जाऊँ, मेरे मोड़ो मोड़ी मर जाएंगे, तुम तो मुझे पंखा पे टांग दो फांसी पे, लेकिन मैं ऐसा गलत बयान नहीं दूंगी। और मैं जब तक जयपुर से शिवपुरी लौटा सारा माहौल वो था और घर पे ढोल नगाड़े बज रहे थे कि भाई साहब आप पे झूठो केस नहीं लगो। इस तरह के केस और हालातों से जूझना पड़ता है जब हम वास्तविक तौर पर जनसेवा के लिए उतरते हैं, और जब हम नकली जनसेवा करने के लिए उतरते हैं तो मात्र कंबल बिस्कुट लेके गांव के एक फोटो सेशन कराने के बाद जो लोग आते हैं, मैं कहता हूं कृपा कर इस दिखावापूर्ण समाज सेवा को छोड़ें। समाज सेवा वही है जब दबंग आपके बारे में आपको बुरा बोलने लगें, उस गांव के आपके बारे में जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी सल्तनतें हिलने लगें, तब आप मानना कि आप सही समाज सेवा कर रहे हो। ना तो कंबल बांटने से कभी समाज का भला हो सकता, ना बिस्किट बांटने से समाज का भला हो सकता, ना किसी कलेक्टर के द्वारा सम्मानित होने से आप सम्मानित कहलाओगे, ना किसी मंत्री के द्वारा किसी बहुत बड़े विभूषण को पाने से आप बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता कहलाओगे। आप जो करना चाहते हो करते चलो, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। मैंने सोचा था जब मैं जाता था सहरियाओं में तो सहरिया भाई खुद कहते थे भाई साहब हमें तो भगवान भी नहीं बदल सके,
अरे भाई साहब सहरिया तो भव ही जाइए, भाई भगवान भी नहीं बदल सके। मैंने कहा मैंने ठाना है कि मैं सहरिया जनजाति को बदलूंगा और इस कलंक से मुक्ति दिलाऊंगा कि किस तरह से आप देखिए सहरिया के साथ बर्बरताएं हो रही हैं, बंधुआ बने हुए हैं। किसी ने बाबा ज्यादा ने 15 साल पहले पैसे ले लिए 5,000 रुपये, तो वो पैसे आज तक नहीं चुका पा रहा और वो उसके यहाँ खेतों पर पूरा परिवार बंधुआ बना हुआ है। घूरे पर बैठकर पंगतें खिलाना, समाज में जब मीटिंग या कोई कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक भोज होते थे, तो समाज के अन्य दबंग वर्ग के लोगों को तो टेबल कुर्सी पर खाना खिलाया जाता था, आदिवासी को घूरे पर बिठाकर कुत्ते की तरह भोजन कराया जाता था। ये मुझे बिल्कुल नागवार गुजरा और इसके विरुद्ध मैंने अपमान भोज के विरुद्ध कई महापंचायतें की और आपको खुशी होगी कि वो महापंचायतें सफल रहीं। आज गाँवों में जिन जिन में सहरिया क्रांति चल रही है वहाँ के आदिवासियों ने घूरे पर खाना बंद कर दिया है, अपना अपमान भोज बंद हो गया है, दारू बंद हो गई है, काफ़ी कुछ है। अभी ग्वालियर का ही कुलेथ गांव है जहाँ पर कि 15 साल से आदिवासी परिवार को बंधक बना के रखा था कोई दीना पंडित और उनके परिवारजनों ने। जब मेरे पास वो लोग रोते आए कि भाई साहब मैं भाग के आया हूँ, रात भर चल के मेरे पैरों में छाले पड़ गए, कांटे लग गए, हमारे परिवार को बचाओ, 8 साल के बच्चे को उन्होंने बंधक बना लिया। ये सारी लड़ाई लड़ी, पुलिस अधीक्षक का सहयोग मिला, तत्काल उस बंधुआ परिवार को मुक्त कराया। मुक्त होने की खुशी वास्तव में क्या थी कि वो अपने गांव से नाचता हुआ पूरे गांव बस्ती को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ मेरे घर पर करीब 4 घंटे तक नाचा और अपनी खुशियां मनाई। अभी तो हम नए युग के भवन की नींव रखते हैं, अभी तो हम नए युग के भवन की नींव रखते हैं, नहीं बरसात में टपके भवन ऐसा बनाना है। राजनेता आदिवासियों के लिए क्यों काम नहीं करते, आपने कभी सोचा? पत्रकार जंगलों में जाकर आदिवासियों की खैर खबर क्यों नहीं ले पाता? आदिवासियों को खुद अपनी सुध नहीं थी, आदिवासियों को केवल दारू की पेटी में और 500 के या 200 के नोट में गिना जाता था और वोट उनके ले लिए जाते हैं। अब भी मेरी एक बड़े मंत्री लेवल के व्यक्ति से बात हुई, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनका कहना था कि आदिवासियों में क्यों काम करें, शहरियों के लिए क्यों काम करें, जब 4 साल भले हम कर भी लेंगे, 4 साल 9 महीने 11 महीने हम उनको काम करेंगे, लेकिन चुनाव आएंगे तो वो दारू में और नोट में ही वोट देंगे, तो इस कारण अब उनके लिए 4 साल कौन खराब करे, अन्य समाजों को देखने दो। मैंने इस परिपाटी को मिटाया और गांव-गांव में चुनावों के दौरान कैंप लगाकर मेरी युवा शक्ति जो भी थी सहरिया क्रांति के, उन लोगों ने दारू और नोट में वोट देना बंद किया, तब कुछ चूलें हिली राजनेताओं की। उसके बाद आप देखिए कि पिछले 8-10 साल के अंदर सहरिया जनजाति पर विशेष फोकस किया गया, सहरिया जनजाति को हाईलाइट करके सरकार अब कई काम कर रही है और वास्तविक लाभ आदिवासियों को मिलने की शुरुआत हो रही है। मुझे खुशी है कि नया जमाना आ रहा है, नवयुग आ रहा है और सहरिया क्रांति उसे लेकर आ रही है। ईश्वर से कामना करूंगा कि मुझे गरीब को न्याय दिलाते हुए मौत मिलेगी तो वो मेरा जीवन सफल होगा, लेकिन किसी भ्रष्ट मंत्री या किसी भ्रष्ट नेता या किसी भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा मैं सम्मानित होऊंगा, उस दिन समझ लेना कि संजय बेचैन राह से भटक गया है।